Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about LLP, Limited Liability Partnership, and we are going to discuss about the basics of LLP and the format used in LLP. So video ko last tak dekhe and clear your concept of LLP. Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the concept of LLP called as Limited Liability Partnership. तो आज हम discuss करने वाले हैं Limited Liability Partnership के बारे में कि what do you mean by LLP, what is the difference between the कंपनी एज वेल एज़ दी LLP, और ये LLP का जो कंसेप्ट है उसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है, एज वेल एज़ द फॉर्मेट विच इज़ बीन यूज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन LLP, हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. आई एम ऑल्सो एन वेरीफाइड एडुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, तो उस पर भी मैंने काफ़ी सारे कोर्सेस डाले हैं. तो अगर आपने वहाँ पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और मुझे वहाँ पर फॉलो करें, कोर्स को रेट रिव्यू ज़रूर करें. तो लेट्स बिगिन विथ टूडेज़ वीडियो, एंड दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को शॉर्ट में बोला जाता है LLP, और ये LLP का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. LLP एक हाइब्रिड कंसेप्ट है, LLP एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स और पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को एक साथ इंटीग्रेट करके बिजनेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज LLP. इफ़ यू चेक कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एंड उसका एडवांटेज है कंपनी के शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, मतलब उन्होंने जितने शेयर्स परचेस किए उस पर जो भी अनकॉल्ड अमाउंट होगा उतने तक ही वो लाइबल होंगे अगर कंपनी को कहीं फ्यूचर में लॉस हो जाएगा तो. सिमिलर इज़ द केस विद द पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन पार्टनरशिप के जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप को अगर कभी लॉस हो जाएगा तो पार्टनर्स का जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा बेच के उससे पैसा रिकवर किया जाएगा. तो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है. तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें इन केस ऑफ कंपनी, तो देर आर लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ कंपनी, और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप में थोड़े कम होते हैं. तो इसीलिए इन दोनों को इंटीग्रेट करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के लिए गए एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप के लिए गए, जो एडवांटेज वाले पॉइंट्स थे वही लिए गए, और दोनों को इंटीग्रेट करके एक कंसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच इज कॉल्ड एज LLP. सो LLP ये जो कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2008. तो 2008 में इसमें एक्ट बनाया गया, एंड 2008 का जो एक्ट था 12 दिसंबर 2008 इज द ईयर विच वी हैव टू रिमेंबर, एंड दैट इज द ईयर फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो LLP हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय द वे ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 2008 में, that became into effect by way of notification dated 31st March 2009. So 12 December 2008 में बिल पास किया गया, 7 जनवरी को प्रेसिडेंट ने बिल पे साइन किया गया, एंड अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन हुआ फ्रॉम 31st March 2009. सो LLP इज नथिंग बट इट कम्बाइंस द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द कंपनी एंड पार्टनरशिप. तो कंपनी के कुछ प्लस एडवांटेज वाले पॉइंट और पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेज वाले पॉइंट दोनों इंटीग्रेट किए जाएंगे और LLP फॉर्म होगा. नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर्म होने के लिए चाहिए मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है LLP के लिए. इन LLP ऑल पार्टनर्स हैव फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ईच इंडिविजुअल्स प्रोटेक्शन विद द पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप वर्ड होने के बावजूद यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उसी के बेसिस पे उनकी लाइबिलिटी होगी, उनका प्राइवेट इस्टेट से कोई भी लॉस रिकवर नहीं किया जाएगा. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए कोई भी लिमिट इन केस ऑफ LLP नहीं है.
अब हम कुछ फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको यूज करना होता है वेन एवर वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सो वी हैव टू प्रिपेयर टू स्टेटमेंट्स. वन स्टेटमेंट इज द बैलेंस शीट एंड द अदर स्टेटमेंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो बैलेंस शीट वी हैव टू प्रेजेंट इन अ वर्टिकल फॉर्मैट, एंड सिमिलर इज द केस विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये फॉर्मैट के बेसिक इंग्रीडियंट्स या बेसिक पॉइंट्स क्या है वो अभी हम देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है पार्टनर्स फंड. पार्टनर्स फंड में हमें लिखना है कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड. सो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इज नथिंग बट इट इज़ दी अमाउंट विच इज़ कैलकुलेटेड इन द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट. जैसे हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, वैसे हम इसमें पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाएंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्व एंड सरप्लस. देन लाइबिलिटीज इंक्लूड सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन्स में बैंक लोन, डिबेंचर्स, ऐसे पॉइंट कवर किए जाएंगे. अनसिक्योर्ड लोन में पब्लिक डिपॉजिट्स, एनी काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन कवर होगा. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट नाम का पॉइंट आएगा. ट्रेड पेएबल्स में वी विल हैव क्रेडिटर्स, वी विल हैव बिल्स पेएबल. अदर लाइबिलिटीज में वी कैन राइट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड प्रोविजन्स में वी कैन राइट द प्रोविजन्स. तो जो भी प्रोविजन्स है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे प्रपोज डिविडेंड, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर होंगे. So this is the format related to the balance sheet liability side. Only the change is we are writing contribution and liabilities and we are writing partners fund. वही अगर हम company के base पे देखते तो हम यहाँ पे share capital और reserves and surplus लिखते थे. तो ये थोड़ा सा change हुआ है in the format. अभी asset side के point discuss करेंगे. Asset side includes first fixed assets. फिक्स असेट्स में आपको पूरा प्रेजेंट करना है आपके जो ग्रॉस फिक्स असेट्स होंगे, उसमें से जितना भी आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हुआ है, दैट वी हैव टू डिडक्ट, देन वी कैन गेट द नेट फिक्स असेट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स जो भी पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, वो हम लिखेंगे. नेक्स्ट इज लोन्स एंड एडवांसेस. अगर लोन किसी को दिया है या प्रीपेड एडवांस के पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे आएंगे. नेक्स्ट इज योर इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स द क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एंड विच विल इंक्लूड ऑल द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, एक्सेट्रा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, एंड अदर करंट असेट्स में इंक्लूड द मिसलिनियस एक्सपेंसेस. तो ओवरऑल दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विच इज़ यूज फॉर अकाउंटिंग फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो ये फॉर्मेट LLP में यूज किया जाता है बैलेंस शीट के लिए. द नेक्स्ट फॉर्मेट इज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर. स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर में हम इनकम से स्टार्ट करेंगे. इनकम विल बी रिलेटेड विद ग्रॉस टर्नओवर. ग्रॉस टर्नओवर इंक्लूड्स द सेल्स एंड वी हैव टू डिडक्ट सेल्स रिटर्न फ्रॉम दैट. तो सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे या फिर कुछ एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स रहेगा तो वो भी हम उसमें से माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा नेट सेल्स. नेट सेल्स मिलने के बाद आपके कुछ अदर इनकम्स भी होते हैं, रेंट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो हम उसमें प्रेजेंट करेंगे. विद दैट वी कैन ऑल्सो प्रेजेंट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द स्टॉक्स. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंस इट्स अ वर्टिकल फॉर्मेट, आपको क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके प्रेजेंट करना है इनकम में ही, और वो हेडिंग हमें लिखना है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक्स. तो वी विल गेट द टोटल इनकम. उसके बाद हमें माइनस करना है एक्सपेंसेस. सो ये जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में बहुत सारे पॉइंट्स डिवाइड होते हैं. जैसे एक्सपेंसेस में परचेसेस आएगा, एक्सपेंसेस में पर्सोनील एक्सपेंसेस आएगा, एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आएगा, एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, एक्सपेंसेस में अदर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हमें बाइफर्केट करने हैं. परचेजेस, पर्सोनील एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर एक हेडिंग आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे. सो ओवरऑल एक्सपेंसेस हमें बाइफर्केट करके लिखना है. तो अकॉर्डिंगली जैसे आप बाइफर्केट करोगे तो आपको हर एक एक्सपेंसेस के अलग अलग लिस्ट वाइज पॉइंट लिखने हैं. देन सिंपल फॉर्मूला हमें यूज करना है, सारे इनकम को हमें प्लस करना है और सारे एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना है. तो ऑल इनकम्स विल बी एडेड एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी लेस. तो हमें आंसर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ सकता है, अगर टैक्स रहा तो
टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड अकॉर्डिंगली वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो हम हमारे पार्टनर्स जितने भी रहेंगे उनके PSR में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके फिर अकॉर्डिंगली वो क्लोज कर पाएंगे. सो दिस इज ओवरऑल द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड विच वी हैव डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट विच इज यूज इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करना या वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो दैट उनको भी ये जो कंसेप्ट ऑफ LLP है वो समझ में आए. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.